दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जॉर्ज बर्नार्ड शो के एक प्ले आर्म्स एट द मैन जिस पे मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर लिंक आ रही है, इस पे क्लिक करके देख लीजिए, उसका एनालिसिस करूंगा। थोड़ा मैं इस वीडियो में बताऊंगा खुद जॉर्ज बर्नार्ड शो के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस प्ले के कुछ की फैक्ट्स की और उसके बाद इस प्ले की कुछ मेजर थीम्स की। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये प्ले बुल्गेरिया में सेट है। बुल्गेरिया जो कि यूरोप का एक देश है, ग्रीस के ऊपर रोमानिया के नीचे, ग्रीस और रोमानिया के बीच में है और टर्की के राइट साइड में। तो ये प्ले बुल्गेरिया में सेट है 1880 जब बुल्गेरियन सर्बियन वॉर चल रही थी। और दोस्तों इस प्ले के ऑथर हैं एक आयरिश राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शो, जो कि एक प्ले राइट, म्यूजिक क्रिटिक और एक एक्टिविस्ट थे। इसके साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फाउंडर भी थे। जॉर्ज बर्नार्ड शो का जन्म और एजुकेशन दोनों डबलिन में हुई और बहुत ही कम उम्र में इनका सोशलिज्म और एक्टिविज्म की तरफ इंटरेस्ट बढ़ गया। दोस्तों शो ने 1890 के दशक में प्ले लिखने की शुरुआत की और उनकी राइटिंग्स में आप हमेशा सोशल कल्चर क्रिटिक एलिमेंट्स देख सकते हैं। शो एक बहुत ही अनुकूल राइटर थे, मतलब बहुत से वर्क्स थे इनके, लगभग 50 से ज़्यादा प्लेज, आर्टिकल्स, रिव्यूज, एसेज और पैम्पलेट्स वगैरह। इनकी पॉपुलैरिटी 1900 के दशक में बढ़ी और ये फेमस होते होते एक वेल रेस्पेक्टेड प्लेराइट बन गए। 1925 में इन्हें अपने काम के लिए लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने एक आयरिश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ शादी की और ये दोनों बड़े खुशी से जिए जब तक कि 1943 में इनकी वाइफ की डेथ नहीं हो गई। और इसके लगभग 7 साल के बाद 94 साल की उम्र में खुद जॉर्ज बर्नार्ड शो की भी डेथ हो गई। अच्छी खासी उम्र जी करके गए थे ये। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज बर्नार्ड शो एक अकेले आदमी थे जिन्हें नोबेल प्राइज और एकेडमी अवार्ड दोनों पिग्मेलियन की राइटिंग और प्रोडक्शन के लिए मिले। अब हम बात करेंगे इस प्ले आर्म्स एंड द मैन के कुछ की फैक्ट्स की। दोस्तों इस प्ले का पूरा नाम आर्म्स एंड द मैन है, ये ज्यादा बड़ा नहीं, लगभग 3 एक्ट्स का एक प्ले है जिसे अर्ली 1890s में लिखा गया आयरलैंड इंग्लैंड में और 1894 में इसे पब्लिश करवाया गया। लिटरेरी पीरियड इस वक्त चल रहा था एंड ऑफ रोमांटिसिज्म एंड बिगनिंग ऑफ मॉडर्निज्म। इस प्ले की शैली है रोमांटिक कॉमेडी और सेटिंग रखी गई है बुल्गेरिया में। और अब हम बात करते हैं इस प्ले की कुछ मेजर थीम्स की। तो सबसे पहले इस प्ले की थीम है आइडेंटिटी, ऑथेंटिसिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन। दोस्तों आइडेंटिटी तो इस प्ले की मेन थीम है ही। आप इस प्ले के बहुत सारे कैरेक्टर्स जो एक सर्टन रोल में एक्टिंग कर रहे हैं उनमें आप ये चीज देखोगे कि उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। जैसे कैप्टन ब्लाउचली, वो किस देश से है, किसके लिए युद्ध लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। दूसरी इस प्ले की थीम है जो हम मान सकते हैं वो है रोमांटिसिज्म वर्सेस रियलिज्म, क्योंकि इस प्ले में एक तरफ तो वॉर चल रही है और एक तरफ रोमांस। तीसरी थीम है इस प्ले की क्लास डिविजन। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्लास डिविजन कैसे बढ़ गया था। और अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस प्ले में एक ऐसा कैरेक्टर बताओ जो इस थीम के हिसाब से एकदम फिट बैठे, तो आप कौन सा कैरेक्टर बताओगे? सबसे पहला कैरेक्टर कौन आएगा दिमाग में? जी हां, लाउका, इस घर की मेड लाउका। दिखने में काफी खूबसूरत, बहुत ही एम्बिशियस, इनफैक्ट इस प्ले की हीरोइन रैना से भी ज्यादा खूबसूरत, और वो किसी भी हालत में अपने आप को इस सर्वेंट वाले स्टेटस से उठाना चाहती थी। इसके अलावा इस प्ले की एक और थीम, एक लास्ट थीम है यूथ वर्सेस मैच्योरिटी। कैप्टन ब्लाउचली जो बार बार इस प्ले में यंग और ओल्ड सोल्जर्स के बीच में अंतर करता है, शो ने इस प्ले में यूथ वर्सेस मैच्योरिटी की एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बनाई है।